राम राम किसान भाइयों, मैं तो हमारा आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चमत्कार और कल्टार में कौन सा पीजीआर बेस्ट है, क्योंकि किसानों के कमेंट आ रहे थे कि हम कल्टार का स्प्रे करें या चमत्कार का स्प्रे करें, दोनों में से कौन सा बेस्ट पीजीआर है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चमत्कार का स्प्रे करें अपने आलू की फसल पर या कल्टार का स्प्रे करें, दोनों में से कौन सा बेस्ट पीजीआर है। तो किसान भाइयों, ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो किसान मित्रों, सबसे बात पहले बात कर लेते हैं हम कल्टार और चमत्कार के दोनों के बारे में, कौन कौन सा किस कंपनी का है। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चमत्कार के बारे में। तो चमत्कार घाड़ा केमिकल कंपनी का किसान मित्रों एक वेस्ट पीजीआर है। अगर इसमें टेक्निकल की जब हम बात करें तो इसमें जो टेक्निकल होता है मैपिक वाइट क्लोराइड 5% किसान मित्रों टेक्निकल होता है। अगर हम कल्टार की जब हम बात करें तो कल्टार एक सिंजेंटा कंपनी का बेस्ट पीजीआर है। इसमें टेक्निकल की जब हम बात करें तो इसमें पेक्लोबिटाजॉल 23% एससी फॉर्म में किसान मित्रों टेक्निकल होता है। किसान मित्रों, अगर दोनों की डोज की जब हम बात करें तो कल्टार का अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं अपने आलू की फसल पर, तो इसे 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चमत्कार का स्प्रे करने जा रहे हैं अपने आलू की फसल पर, तो किसान मित्रों इसे आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। दोनों का किसान मित्रों स्प्रे जब आपके आलू की अवस्था लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था हो, उस समय किसान मित्रों कंदों का आकार और कंदों की संख्या बढ़ाने के लिए इन दोनों पीजीआरों का किसान मित्रों स्प्रे के रूप में किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, अगर हम बात करें दोनों के कार्यों की, तो किसान मित्रों दोनों का जो कार्य है वो एक ही समान है। दोनों ही हमारे आलू की फसल में किसान मित्रों उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको रोकने का काम करते हैं, तथा इसके कारण जो हमारे आलू का पौधा, जो हमारे आलू की बेल है किसान मित्रों, अनुवांशिक तरीके से बढ़ रही होती है। दोनों ही पीजीआर किसान मित्रों उसको रोकने का काम करते हैं, तथा जो न्यूट्रिएंट पौधा आलू की बेल को बढ़ाने में दे रहा होता है उसे ना देकर किसान मित्रों ये कंदों के आकार कंदों की संख्या बढ़ाने में दोनों पीजीआर किसान मित्रों काम करते हैं। इनका स्प्रे करने से हमारे जो आलू की फसल है हरी भरी दिखाई देती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यह दोनों ही पीजीआर तेज करने का काम करते हैं। बात करें दोनों में से कौन सा बेस्ट है, या चमत्कार बढ़िया है या कल्टार बढ़िया है, तो कल्टार की जब हम बात करें तो कल्टार किसान मित्रों पीजीआर के साथ साथ एक फंजीसाइड भी है, जो कि एक चमत्कार से किसान मित्रों एक बेस्ट टॉनिक है। किसान मित्रों, चमत्कार एक पीजीआर ही है और यह एक फंजीसाइड नहीं है। किसान मित्रों, अगर हम अपने आलू की फसल पर कल्टार का स्प्रे कर देते हैं तो इसमें किसान मित्रों आपको फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसका स्प्रे करने से यह आलू में कंदों का आकार बढ़ाने का काम करता है, तथा फंगस को आने के से भी रोकने का काम करता है। और कल्टार किसान मित्रों एक वेस्ट पीजीआर है। तो किसान मित्रों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम अपने आलू की फसल पर कल्टार का स्प्रे करें या चमत्कार का स्प्रे करें। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से आलू की क्रॉप से संबंधित अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नेटअप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।